प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार राज्य में इतिहास के कुछ ऐसे अंश दर्ज हुए हैं जिन्होंने विश्व इतिहास में भी अपनी अद्भुत छाप छोड़ी। इन्हीं में प्रमुख है बौद्ध धर्म का विकास, जिसके बीज को बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर में बोया गया था। मगर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के और भी कई पहलू हैं? बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित महाबोधि मंदिर में 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ को बोध या प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी। आने वाले वर्षों में ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाने लगा, जिनमें से शेष 3 हैं नेपाल में उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी, वाराणसी के निकट सारनाथ जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। आइए आपको इस प्राचीनतम मंदिर की यात्रा पर ले चलते हैं। ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध में विजयी होने के बाद जब तीसरे मौर्य सम्राट अशोक को हिंसा से हुई हानि का आभास हुआ, तब अहिंसा का पथ लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ना सिर्फ अपनाया बल्कि अपने शासन का मुख्य धर्म भी बनाया। इसी के चलते सन 250 ईसा पूर्व को सम्राट अशोक इस स्थान पर आए और उन्होंने एक मंदिर और धर्मशाला बनाने का प्रण लिया था। हालांकि वज्रासन या हीरे के सिंहासन के अलावा यहां उस दौर का अब कुछ उपलब्ध नहीं है, मगर ये वही स्थान है जहां से सम्राट अशोक ने बौद्ध मंदिरों के निर्माण का कार्य आरंभ किया था। भले ही महाबोधि मंदिर के निर्माण का अधिकांश श्रेय सम्राट अशोक को जाता हो, मगर इसने आने वाली शताब्दियों में कई बदलाव देखे हैं। पहले थे शुंग, जिन्होंने सन 150 ईसा पूर्व में यहां पर रेलिंग, स्तंभ और नक्काशीदार पैनल जैसे नए संरचनाएं लगवाए, मगर वर्तमान में जो हम मंदिर देखते हैं वो दरअसल 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त शासकों द्वारा निर्मित है, जिन्होंने ईंट के जरिए कुषाण शैली में मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये एक पिरामिड के आकार का है जिसके ऊपर स्तूप का कलश देखा जा सकता है। ये इन्हीं गुप्त शासकों की देन थी जिसके कारण महाबोधि मंदिर भारत के सबसे पुराने ईंट द्वारा निर्मित इमारतों में गिना जाता है। नवी शताब्दी तक जब बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से विलुप्त हो रहा था, वो उत्तर और पूर्वी भारत में पाल एवं सेना शासकों के कारण 13वीं शताब्दी तक कायम रहा। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब सेना शासक बख्तियार खिलजी के दिल्ली सल्तनत की फौज से पराजित हुए। मगर दिलचस्प बात यह है कि महाबोधि मंदिर उस खिलजी के हाथों से बचा रहा जिसने नालंदा और विक्रमशिला के महान विश्वविद्यालयों को खाक कर दिया था। मगर बौद्ध धर्म के पतन के कारण इस मंदिर की गरिमा विलुप्त हो गई थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और बर्मी शाही परिवार के संयुक्त कार्य के कारण मंदिर को उसके वर्तमान रूप में वापस लाया गया था। बहुत लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि महाबोधि मंदिर के बाहर जो बोधि वृक्ष है, ये दरअसल वो वृक्ष नहीं जहां पर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। ये उस मूल वृक्ष का वंशज है जिसको कई बार विनाश का सामना करना पड़ा था। वही महाबोधि मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान मशहूर पुरावेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1881 में यहां नया वृक्ष लगवाया जो आज भी यहां देखा जा सकता है। अंग्रेजों के पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद महाबोधि मंदिर शैव पंडितों के अंतर्गत आया, जिसके कारण बौद्ध अनुयायियों के यहां आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह श्रीलंका के मशहूर बौद्ध पुनरुत्थानवादी अनागारिका धर्मपाल की ही देन थी जो मामले की तह तक गए और बौद्ध धर्म के इस तीर्थ स्थली को स्वतंत्र करने में सक्रिय हो गए।
करीब 50 साल बाद सन 1949 में बिहार सरकार ने इसके प्रशासन का दायित्व लिया और फिर एक समिति का गठन भी किया। कई बदलावों के बाद आज इसका प्रशासन इसके मुख्य भिक्षु भिकु चलिंदा के हाथों में है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसे कई बौद्ध मंदिर हैं, जिनकी रूपरेखा महाबोधि मंदिर से प्रेरित हुई है। फिर चाहे वो चीन का ज़िंगज़ुई मंदिर हो या थाईलैंड का वाट चेट योट मंदिर। सन 2002 में महाबोधि मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में दर्ज हुआ था। आज महाबोधि मंदिर विश्व के उन प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष भारत और विश्व से अनेक तीर्थ यात्रियों को भगवान बुद्ध की शरण में समर्पण करने के लिए आमंत्रित करता है।